हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। यू नो व्हाट, इमोशंस हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कुछ लोग जो इमोशंस को नहीं समझ पाते, वो इमोशनली वीक हो जाते हैं और इमोशंस में उलझकर वो अपनी पूरी लाइफ उदासी में निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो इमोशंस को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उस पर मास्टरी हासिल करके वो अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं और एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ एंजॉय भी करते हैं। इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट होते हुए भी ना तो हमारे स्कूल में इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है और ना ही घर पे हमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इमोशनल सिचुएशंस आती हैं, जब हम लो फील करते हैं तो हम कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को। तो इसी बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ इस बुक के बारे में, मास्टर योर इमोशंस। ये जो बुक है बहुत ही अमेजिंग बुक है, इमोशंस पे मास्टरी हासिल करने के लिए मस्ट रीड बुक है। इस बुक में आपको रीड करने के बाद समझ में आएगा कि इमोशंस क्या हैं, इमोशंस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करते हैं या इफेक्ट करते हैं, कैसे हम इमोशंस को चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम इमोशंस को यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रो हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक से, हमारी क्या लेसन्स या क्या लर्निंग्स हैं। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशनली वीक हैं इसलिए आप नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा फील करते हैं, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में कितने भी स्ट्रोंग से स्ट्रोंग लोग रहे हैं, नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस सबने फेस किया है। एलन मस्क, उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन फेस करना पड़ेगा, बट स्टिल उन्होंने मेंटल ब्रेकडाउन को जब फेस किया उसके बाद वो बाउंस बैक करके आए और उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। अब्राहम लिंकन की बात करें तो जब उन्होंने अपने फियांसे को खो दिया था तो उसके बाद महीनों तक वो डिप्रेशन की स्टेट में रहे, बट क्या उस डिप्रेशन ने उन्हें रोक दिया अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से? नहीं, उन्होंने वहां से रिकवरी की और उसके बाद वो अपने सक्सेस की सीढ़ियों पर चलते चले गए। तो यही होता है कि आप ये नहीं सोचिए कि आप वीक हैं इसलिए आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या इसलिए आपको इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। कितने भी स्ट्रोंग से स्ट्रोंग होते हैं इंसान, सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आती है। तो हम सबको ये सीखना चाहिए कि इमोशंस को हम कैसे हैंडल करें और कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना जरूरी है कि इमोशंस हैं क्या। इमोशंस हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करते। हम जब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं तो उसके बाद हम फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको ये वीडियो देखते हुए कैसा लग रहा है, तो आपका रिप्लाई शायद होगा कि आई एम फीलिंग कि इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। बट आप फील नहीं कर रहे हैं, ये आपका इमोशन नहीं है, ये आपका थॉट है। फीलिंग हो सकती है कि यू माइट बी फीलिंग एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू। तो इस तरह से फीलिंग्स और थॉट्स जो हैं वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। थॉट्स हमारे माइंड में आते जाते रहते हैं समुद्र की लहरों की तरह, लेकिन फीलिंग्स होती हैं वो हम किसी पर्टिकुलर थॉट को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम उससे क्या अटैच करते हैं, हम खुद फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, तभी तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, सेम सिचुएशन सेम हालात में, दो अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, दो अलग अलग लोगों की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती है। क्योंकि हालात या बाहर की जो सिचुएशन है वो हमारी फीलिंग्स को क्रिएट नहीं करती, हम खुद अपनी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमें पावर ये मिलती है कि हम अपनी फीलिंग्स को जब खुद क्रिएट करते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं, हम हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे जो इमोशंस है ना वो किस तरह से काम करते हैं बहुत समझना हमारे लिए जरूरी है। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिविटी बायस्ड होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन पुराने टाइम से ही, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से ही इसको हैबिट है नेगेटिविटी की साइड में ज़्यादा ये बायस्ड रहता है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर हमें सर्वाइव करने के लिए ट्राइब्स में, ग्रुप्स में रहना होता था, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को डे टू डे लाइफ में फेस करते रहते थे। पता नहीं एक दिन में कितनी बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस आती थी। तो उन सिचुएशन से निकलने के लिए हमारा माइंड हमें नेगेटिविटी के सिग्नल्स देता था, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करता था, जिससे हमें मालूम हो जाता था कि कोई थ्रेट है। बट आज के टाइम पे हमारी लाइफ में ऐसा कोई थ्रेट हम डे टू डे लाइफ में फेस नहीं करते हैं, पर
बट माइंड की तो आदत है, वैसे ही नेगेटिविटी की तरफ ये बायस्ड है, तो ये नेगेटिव ज्यादा सोचता है। दूसरा, उस टाइम पर लोग ट्राइब्स और ग्रुप्स की फॉर्म में रहते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, ग्रुप में रहते थे, वो ज्यादा सेफ रहते थे और वो सर्वाइव कर पाते थे। अदरवाइज इंडिविजुअल अगर कोई अकेला रहेगा तो उसका सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता था। तो वहाँ से हमें रिजेक्शन से डर लगने लगा, हमारे माइंड को लगने लगा कि जहाँ अगर हमें ट्राइब से रिजेक्ट कर दिया गया तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। अब वो जो फीलिंग है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, हमें जैसे ही कहीं से किसी से रिजेक्शन मिलता है तो हम लोगों को नेगेटिव इमोशंस हमारे फील होने लगते हैं। जबकि आज के टाइम पे नो मैटर कोई आपको पसंद करे या ना करे, बट स्टिल यू कैन वर्क, यू कैन ईट वेल एंड यू कैन लिव वेल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पर क्या होता है कि लोग हमारी चाहे कितनी भी तारीफ करें, एक अगर नेगेटिव कोई हमारे बारे में कुछ बोल देता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि एक इंसान है जिसने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अब सब लोग उस प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, बट आपको उस प्रोजेक्ट की तारीफ करते करते आपके ही कलीग्स में से कोई एक आके क्रिटिसाइज कर देता है, तो इतने लोगों की जो तारीफ है ना, उसके बावजूद भी वो एक क्रिटिसिज्म आपको परेशान करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिविटी की तरफ बायस्ड होता है। अब इतने सारे पॉजिटिव जब उसे फीडबैक मिले हैं, तो एक नेगेटिव फीडबैक क्या उसके प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है? क्या उससे उसकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट स्टिल वो नेगेटिविटी बायस्ड माइंड के कारण उसे नेगेटिव इमोशंस फील होने लगते हैं, उसे फियर ऑफ रिजेक्शन फील होने लगता है, उसकी जो ईगो है वो हर्ट होने लगती है। तो ये ईगो क्या है और कैसे क्रिएट होती है? एक्चुअली ईगो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी है जो हम क्रिएट करते हैं। हमारी ईगो कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी कनेक्टेड टू कि हमारे रिलेटिव्स कौन हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये हमारे लुक्स से कनेक्टेड हो सकती है कि हम कैसे दिखते हैं, और ये हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, हमारा घर, हमारी गाड़ी, ये हमारी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, ये हमारे रिलीजन से लेके हो सकती है। जिन चीज़ों से हम डीपली कनेक्टेड फील करते हैं या जिनको हम अपना पार्ट मानते हैं, हम अपनी इमेज मानते हैं, वो सब चीज़ें हमारी ईगो को क्रिएट करती हैं। और जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो आता है जो हमारे इमेज को हर्ट करने वाला होता है या इमेज को इफेक्ट करने वाला होता है, तो हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। तो यहाँ पर हमें पावर ये मिलती है कि हमारी जो इमेज है उसमें हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं नेगेटिवली, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन चीज़ों से इमोशनली डिटैच हो जाएं। दूसरा, हम अपनी जो स्टोरी है, क्योंकि हमारी ईगो हमारी खुद की लिखी हुई स्टोरी होती है, हमारी खुद की पहचान होती है, जो हमारी इमेज होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। वी कैन री राइट आवर पर्सनल स्टोरी, जिसकी हेल्प से कि हम उन चीज़ों से उतना अटैच नहीं रहेंगे जो हमें हर्ट करती हैं। जब हम अटैच नहीं रहेंगे तो उनका फिर हम पर नेगेटिव इफेक्ट होना भी कम हो जाएगा। वी विल स्टार्ट फीलिंग मोर पॉजिटिव इमोशंस। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इमोशंस। इमोशंस का नेचर कैसा है? हमें लगेगा कि नेगेटिव इमोशंस हैं तो उनका नेगेटिव इफेक्ट ही हमारी लाइफ पर होता है, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नेगेटिव इमोशंस हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, उनका हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ में जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी बॉडी में कहीं पेन होता है, टूथ एक होता है, या फिर आपको फीवर होता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके टेस्ट करके आपको दवाइयाँ देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। वैसा ही हमारे नेगेटिव इमोशंस का रोल होता है, वो हमारी लाइफ का पेन होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हमें चेक करने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या पर्टिकुलर चीज़ है जिसे हमें चेंज करना होगा ताकि हमारी लाइफ स्मूथली अच्छे से चल सके। तो ये नेगेटिव इमोशंस हमारी लाइफ में अलार्म की तरह काम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि देयर इज समथिंग मिसिंग, या कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो नेगेटिव इमोशंस हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। मैग्नेटिक पावर ऑफ इमोशंस। हमारे जो इमोशंस हैं ना, उनके अंदर जैसे मैग्नेट होती है, वो आयरन के पीसेस को अपने पास अट्रैक्ट करती है, वैसे ही हमारे इमोशंस के अंदर भी मैग्नेटिक पावर होती है कि वो लाइक थॉट्स को, लाइक इमोशंस को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज आप एक बार पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर देंगे किसी चीज़ को लेके, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, तो आपके अंदर वैसे ही पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप वैसे और थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव या लो फील कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप उस तरह की नेगेटिव और भी ज़्यादा विचार आपके अंदर इतने बढ़ते चले जाएंगे कि वो बहुत बड़ा बर्डन आपके माइंड पर हो जाता है। इस चीज को जानने के बाद आपको क्या करना है, आपको थॉट्स को क्लस्टर होने से रोकना है। आई एग्री कि नेगेटिव इमोशंस जब आप फील कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और करने में बहुत मुश्किल होता है या कुछ भी और आप सोच नहीं पाते हैं। पॉजिटिव कोई कितना ही कहे आप नहीं फील कर पाते हैं, बट स्टिल आप इतनी कोशिश कीजिए कि आप उन थॉट्स को मल्टीप्लाई ना करें। आप एक जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर उसी पर स्टिक रहें, आप अननेसेसरी चीज़ों को वहाँ तक लेकर ना आए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आप क्या थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम नॉट एनफ, मुझसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता है, मैं अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करूँगा, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, एंड आपके जो थॉट पैटर्न है वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन थॉट्स को मल्टीप्लाई होने से, इन नेगेटिव इमोशंस को क्लस्टर होने से रोकने के लिए आपको उनको सही डायरेक्शन में सोचना होगा, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचना होगा कि इट्स ओके, अभी फेलियर हुआ है, आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन और मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, मैं इससे इम्प्रूव करके दोबारा से कोशिश कर सकता हूँ। ये चीज़ें हमें, एक लर्निंग वाला माइंडसेट जो है वो हमें डेवलप करना होगा, थॉट्स को क्लस्टर होने से हमें रोकना होगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस वंडरफुल बुक, आपके इमोशंस को समझने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में और उनसे खुद को ग्रोथ की तरफ ले जाने में यह बुक आपको हेल्प करने वाली है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।